नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अल्डीजेसिक्स पास टैबलेट का रिव्यू बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का आइकॉन दबाना ना भूले, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये जो अल्डीजेसिक्स पास टैबलेट मार्केट में आता है, अल्केम कंपनी का आता है, 10 गोली का ये टैबलेट का पैक रहता है। ये जो 10 गोली का टैबलेट का पैक मार्केट में आता है, जिसकी कीमत रहती है 110 रुपये ने 110 रुपीज। तो पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज के लिए चलती है, इसका यूज कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नजदीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले है। दोस्तों इसके अंदर असिक्लोफिनेक 100 mg एंड ड्रोटावर्टिन हाइड्रोक्लोराइड 80 mg, दो कंटेंट से बनी दवा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन कंपनी ने किया है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, क्या चीज के लिए चलती है। तो ये जो अल्डीजेसिक्स पास टैबलेट मार्केट में आती है, मेनली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, यानी दोस्तों आपको पेट दर्द की शिकायत है तो उससे छुटकारा पाने के लिए दवा दी जाती है। यानी जिन किन को पेट पीड़ा की तकलीफ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये दवा दी जाती है, अल्डीजेसिक्स पास। दोस्तों जिन किन को कुछ दवाई की वजह से पेट दर्द हो जाता है, लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर जो पेट दर्द होता है उसके लिए भी ये चल सकती है। दोस्तों जिन किन को स्टोन की शिकायत है, स्टोन में भी बहुत पेट दर्द होता है, उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। तो जिस जिस प्रकार के पेट दर्द है, मेंस्ट्रुअल पीरियड रहने दो, स्टोन की तकलीफ रहने दो, या फिर नॉर्मल आपका पेट दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी बेहतरीन दवा है। यूजफुल इन एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द में बेहतरीन दवा है अल्डीजेसिक्स पास। अब बहुत सारी दवा ले चुके हैं, आपका पेट दर्द नहीं रहता है, आपको रिलीफ नहीं आता है, तो एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, बेहतरीन रिजल्ट आप पाएंगे। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये दवा की वजह से आपको नौसियन वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपको ड्राइनेस इन माउथ आ सकता है, डिजीनेस की तकलीफ हो सकती है, हर्टबर्न जैसी तकलीफ भी आपको हो सकती है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेस के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है। जनरली इसको आप 2 टाइम इन अ डे, दिन में से 2 बार ले सकते हैं, या आपकी ज़रूरत के अनुसार दिन में से एक बार भी आप इसको ले सकते हैं। डोसेस के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।